हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक वी आर फाइन। सो आज के लिए बहुत ही ज़्यादा दिल से सॉरी भाई, आपकी एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। नहीं तो ये था कि आपका जो परसेप्शन और पर्सनालिटी वाला आज टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, लेकिन एक मिनट भी आज जो है अपनी एजुकेशन के लिए, जब हमें ये पता है कि इतना मतलब हमारे लिए एक मिनट इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी कई बार और ख़ासकर वुमेन की लाइफ में इस प्रकार के चैलेंज आते रहते हैं जब आप चाहकर भी वो चीज़ नहीं कर पाती। तहे दिल से हम ये चाहते हैं कि भाई हमें जो है आपके लिए फुल सिलेबस प्रोवाइड करवाना है, आपको आज मैंने दो वीडियो डालनी ही हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी, क्योंकि कई बार इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपके बस की बात नहीं होती, आप कुछ नहीं कर सकते उस सिचुएशन में। सो आज के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी। कई बच्चे ये पूछते हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, लड़कियाँ, और ख़ासकर लड़कियों के लिए ही है। वैसे देखो, स्ट्रगल ऐसा नहीं है लड़कों की लाइफ में नहीं होता, स्ट्रगल दोनों की लाइफ में भी होता है, लड़कों की लाइफ में भी और लड़कियों की लाइफ में भी। लड़कों की लाइफ में तो और भी ज़्यादा स्ट्रगल होता है, क्योंकि अगर एक लड़की घर पर बैठी है तो उसकी शादी कर दी जाती है, उसके बाद उसको कोई ये नहीं कहेगा कि भाई आपको सिर्फ अगर वो घर का काम करती है तो द बेस्ट है, अगर वो इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखो, लेकिन एक जेंट्स, एक लड़का है, अगर वो घर पे बैठा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी शादी होगी ही नहीं, और शादी हो जाएगी तो इतनी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी कि उसके लिए उसको घर से बाहर निकलना उसकी मजबूरी हो जाएगी, गवर्नमेंट करे या प्राइवेट करे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं जॉब करनी ज़रूरी हो जाएगी। सो आज यही कहना था कि आज कोई वीडियो नहीं डाल पाए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है एक फीमेल कि कई बार क्या है, घर पे इतने ज़्यादा अर्जेंट काम हो जाते हैं जो हमारी पढ़ाई के ऊपर से अर्जेंट हो जाते हैं, और वहीं पर कहीं ना कहीं हमारा जो प्रैक्टिस का सेक्शन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, उसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। सो स्टडी अगर ये पूछी जाए कि कितने घंटे होती है, तो कई बार तो मतलब ऐसा होता है कि हमें एक मिनट की भी फुर्सत नहीं होती है, काम ही इतना हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि भाई कई कई घंटे, अगर मतलब जिस दिन उस दिन वो कहते हैं ना कि कई बार दिन बन जाता है, और जब 4-5 घंटे की स्टडी के बाद आप उठते हो, आप इतना रिलैक्स महसूस करते हो, अगर आपका दिल लगा हुआ है तो आपको ये लगता है कि हाँ आज कुछ किया है। लेकिन वो टाइम एक फीमेल की लाइफ में, और जो हाउसवाइफ है उसके साथ साथ, और उसके साथ साथ बच्चों को भी खुद संभालती है, तो उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कठिन का समय होता है। लेकिन हमें वहाँ पे हार नहीं माननी है। चलो भाई, 1-2 दिन देखो सबका ऐसा चला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, जी नहीं। जब हम ये सोचेंगे कि हमें कुछ करना है, ठीक है, नेक्स्ट डे इससे डबल जो मेहनत है वो करेंगे, और कल पूरी कोशिश करेंगे आपको और अच्छी वीडियोस देने की, और अच्छे तरीके से जो आज का रहा है, जो आज का समय हमारा वेस्ट गया है, जिसकी वजह से आपके पास हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, तो कल हम आपको ज़रूर कोई दूसरी डबल वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। देखो, 100% तो वही बात है नहीं, कोई कुछ भी चीज़ सर्टेन नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। सो यही कहना था कि स्टडी का अगर टाइम पूछा जाए कि कितने घंटे स्टडी करते हो, तो ऐसा कोई भी फिक्स ये नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक मिनट भी फुर्सत नहीं होती, और कई बार ऐसा होता है कि कई घंटे पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। तो वुमेन की लाइफ में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती। कई कैंडिडेट्स क्या कहते हैं, मैंने वीडियोस भी देखी हैं, कई जो IPS हैं या IAS हैं, वो ये कहती हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ती थी, मेरा ये टाइम टेबल था, मैंने ये शेड्यूल फॉलो किया। तो देखो, वैसे तो हम इस लेवल पे हैं ही नहीं, और हाँ, अगर आपको इस लेवल तक पहुँचना है तो वो टाइम टेबल आपको फॉलो करना ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका दिन जैसे हमारा जा रहा है ऐसे जाएगा, तो ऐसी जॉब मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये तो हमें भी पता है, बट वही बात है, हाउसवाइफ के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं पढ़ पाती है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। और ऐसा है नहीं कि एक बार बुक देखी और हमने उसको ऐसे रीड किया और कर लिया, ठीक है। उसके लिए हमें अपना दिमाग एक जगह पे सेंटर पे लगाना होता है, और वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब इन्वायरमेंट इस तरह का क्रिएट होता है कि हम पढ़ सकें।
तो कई बार तो नहीं टाइम मिल पाता, जो पूछ रहे थे कि मैम स्ट्रेटजी आपकी क्या है, आप कितने घंटे पढ़ते हो, कितने देर तक आप पीएचडी का वर्क करते हो, कितनी देर क्या करते हो। तो देखो भाई, मुझे तो जब भी टाइम मिलता है मैं कोशिश यही करती हूँ कि सबसे पहले मेरा जो मेन फोकस है फिलहाल वो है HPSC या फिर हमारा जो EMRS यानी कि एकलव्य स्कूल की वैकेंसीज आने वाली हैं, जो आई हुई हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट करवाना। उसके बाद अगर कोई टाइम बच जाता है तो उसमें हमारा जो PhD का वर्क है वो कंप्लीट करती हूँ। तो जो मेन फोकस है, क्योंकि अब फिलहाल हमारा जो टारगेट है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। PhD का वर्क हमारा वेट कर सकता है, लेकिन ये वैकेंसी हमारा वेट नहीं करेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन कई बार होता है जो घर का काम होता है वो हाउसवाइफ के लिए उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं निकाल पाते हैं, और यही कहीं ना कहीं वजह होती है। इसीलिए मैं हमेशा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन बच्चों को यही सजेशन देती हूँ, जो भाई अनमैरिड है, देखो जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके पास तो अब कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन अगर आपके पास आपका टारगेट है तो जब तक अचीव ना हो जाए आपको शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। कोई भी चाहे कितना भी ये कह ले कि भाई शादी के बाद भी, ऐसा नहीं है कि फैमिली अच्छी नहीं मिलती है, मिलती है। लेकिन जो बच्चे ये समझते हैं कि अगर काम नहीं करूँगी ये कौन सोचेगा, और गांव में तो ज़्यादातर यही होता है भाई, ये वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, और इसी में पूरा दिन जो है उन्हीं की आवाजगवी में और उन्हीं के करने कराने में चला जाता है। और हमारे पढ़ाई का जो समय है, जो इतना कीमती हमें पता है समय है, वो कैसे निकल जाता है ये पता भी नहीं चलता। और एट लास्ट हमसे ये उम्मीद लगाई जाती है कि जो हमारा रिजल्ट आए, वो जो बच्चे 10-10 15-15 घंटे पढ़ते हैं, जो स्पेशल पढ़ाई के लिए बैठे हुए हैं, उनको हम बीट कर जाएंगे, उनसे हम आगे निकल जाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आपको पॉसिबल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली से अटैचमेंट थोड़ा सा दूर रखो, और जितना ज़्यादा हो सके अपनी जो मेन टारगेट है वो अपनी टीचिंग पे लगाओ। और जो ये स्ट्रेटजी जो ये कह रहे हैं कि भाई ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ और सिर्फ आपका मेन गोल यही है। कई बार ऐसा होता है भाई फीमेल की लाइफ में, कई बार ऐसा होता है जो एक आज हाउस वाइफ है मेन, उसी के लिए है कि 8-8 घंटे 5-5 घंटे निकालने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको अब ये नहीं कह सकते कि 1 घंटे आपको ये पढ़ना है, 2 घंटे आपको ये पढ़ना है, तो वो स्ट्रेटजी उनसे फॉलो नहीं हो पाएगी। लेकिन जिससे जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, अपना 100% देने की, जितना आपसे हो पाता है उतना करना है। और अगर आप अपने जो आपका फ्यूचर है उसको टारगेट मानते हुए कि इसको अगर ये मेरा क्लियर हो जाता है, इसमें ये वैकेंसी अगर मुझे मिल जाती है तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा, अगर आप ये देखकर करोगे तो कहीं ना कहीं जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप 10-15 मिनट जितना भी टाइम मिले, ये नहीं है कि भाई आपको 1 घंटा ही ज़रूरी है, जी नहीं, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ नया सीखने की। लेकिन अगर वीडियो बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है, उसको शेयर करने में टाइम लगता है, तो कई बार वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि 100% जितना मैं करती हूँ आपके साथ साथ करवाया जाए। लेकिन बहुत सारे टारगेट धरे के धरे रह जाते हैं जब लाइफ जब फैमिली का मैटर आता है, तो वहाँ पर फैमिली को फर्स्ट रखा जाता है, और जो फर्स्ट रखना चाहिए हमें अपनी स्टडी को, क्योंकि उन्हीं के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी उलझ पुलझ जाती हैं कि हमको खुद ही समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहना था बस भाई, आज जो वीडियो नहीं डाल पाए उसके लिए सॉरी। और जो आप पूछ रहे थे कि मैम कितने घंटे पढ़ते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे खुद ही क्लियर नहीं है, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि 1 मिनट भी नहीं पढ़ पाते, और कई बार ऐसा होता है भी 4-4, 5-5 घंटे का टाइम मिल जाता है, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, कि ये समझे कि भाई कम से कम 8 घंटे जो बच्चे नए कैंडिडेट्स हैं जो बिल्कुल उनको कम से कम 7-8 घंटे तो देखो भाई स्टडी करनी पड़ेगी। इतना इजी नहीं है क्रैक करना, आपका फर्स्ट शायद हो जाए लेकिन सेकंड
के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप अब से मेहनत करनी स्टार्ट करोगे। तो देखो, कोशिश तो कर रहे हैं, और वो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यही समझ के कोशिश कर रहे हैं कि हार नहीं होगी। सो तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी, और उसके साथ साथ घर के बहुत सारे काम हो गए थे जिसकी वजह से आज वीडियो नहीं डाल पाए। कल पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छी सी वीडियो, लंबी सी वीडियो, जिसमें आपको पर्सनालिटी और परसेप्शन के बारे में टॉपिक क्लियर कर पाएँ और उस टॉपिक को कंप्लीट कर पाएँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। प्लीज़ अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, और जो वीडियोस हैं हमारे पास उसका लिंक हम शेयर कर देंगे। जो पुरानी वीडियोस हैं वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उनका हम आज आपको लिंक शेयर कर देंगे, आज आप उनको देख लेना, ठीक है? क्योंकि आपका टाइम हमारी वजह से जो है ख़राब नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, और जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि हमें उम्मीद भी नहीं थी। भाई हम खुद ही कह रहे हैं हमें नहीं उम्मीद थी कि हमें यहाँ से इतना सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जो आपका सपोर्ट मिल रहा है, जो आपका प्यार मिल रहा है, जो आपके अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं, वो हमें डेली मोटिवेट करते हैं। ना टाइम होते हुए भी हम कुछ ना कुछ आपके साथ अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की कोशिश करते हैं। जब तक हम कुछ, जब तक यानी कि मतलब वो कहते हैं ना कि एक ऐसी लत लग जाती है, तो वो लत ही लग चुकी है शायद, जब तक हम अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर ना कर लें तो पूरा दिन ऐसा रहता है कि पता नहीं आज तो क्या मिस हो गया। तो इसीलिए ये सोच के ही ये वीडियो बनाई थी कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बंदे, वो जुड़े रहिएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और हम और अच्छी अच्छी आपको कंटेंट अवेलेबल करवा सके। अपनी तरफ से हम फुल कोशिश करते हैं आपकी हेल्प करने की, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। लास्ट तक आपका फुल सिलेबस ये है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कवर करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कवर करवाएंगे, जी नहीं, हमारे पास ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई ये वीडियो डालता है, ये सारा काम मुझे खुद ही करना होता है, ठीक है? वीडियो डालने का काम भी करना होता है, एडिटिंग का भी जो भी काम होता है मुझे खुद करना पड़ता, थंबनेल वगैरह बनाने का भी जो काम है वो खुद करना पड़ता है, और इसके साथ साथ बच्चों को संभालने का काम भी खुद करना पड़ता है, और इसके साथ साथ PhD का वर्क भी करना पड़ता है, और भी बहुत सारे वर्क है जो बता नहीं सकते, सारे के सारे हमें ही करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, और जो आपका कीमती समय जो आपने दिया और लास्ट तक हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा। और जो ये कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि भाई मैम सच नहीं बताती कितने घंटे पढ़ती है, तो ऐसा मेरा कोई टाइम टेबल है ही नहीं जिसको मैं आपको ये शेयर कर सकूं कि मैं इतने घंटे पढ़ती हूँ। ये बिल्कुल क्लियर है, हमेशा मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, ठीक है? कोई भी यहाँ पर मैं ऐसा वैसा मतलब ये इस तरह की बनावटी बातें ना मुझे पसंद है, ना मैं बोलती हूँ, ना मुझे आती, क्योंकि सोशल मीडिया पर आए थे तो सिर्फ इसीलिए कि अपना जो रियल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगे तो अनलाइक कीजिए, बट जुड़े जरूर रहिएगा। सो थैंक यू सो मच, और कोई सजेशन देना चाहते हो तो छोटी बहन समझ के सजेशन जरूर दीजिएगा। थैंक यू।